गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी हेरा फिरोज एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो आज बहुत दिन के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, किस क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने सोचा चलो जो मेरी डाइट कंटिन्यू क्या बोले कि कुछ चीज़ें हैं ना वो रुक ही जाती हैं, मतलब नहीं हो पाती हैं बच्चों के साथ। तो जो मैं करती हूँ, जो मैं टाइम टू टाइम लेती जाती हूँ, तो सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए अभी हो गई, अभी सुबह हो गई है, सुबह क्या मतलब दोपहर होने वाली है। तो सुबह में मैंने बस एक कप चाय पिया था, जैसे कि आप लोगों सबको पता है कि आई एम अ चाय पर्सन। तो सुबह मैंने उठते ही गर्म पानी नहीं पिया था क्योंकि मेरी नाइट बहुत लेट होती है, तो मैं नाइट में लेकर सोई थी, तो मैंने सुबह उठते ही नहीं पिया। फिर मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है अभी, मतलब मैंने ब्रेकफास्ट जो किया है वो सिर्फ चाय का किया है। तो लंच मैं स्किप करूँगी और अभी मैं जा रही हूँ गर्म पानी के साथ एप्पल साइडर विनेगर लेने। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइज मॉर्निंग है और मॉर्निंग में मैं लेने जा रही हूँ गर्म पानी और एप्पल साइडर विनेगर। तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए पानी हो चुका है गर्म, अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे अपने ग्लास में। देखिए मेरा ग्लास कितना बड़ा है, अब फुल मग, ठीक है। तो मैं ये इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता ही चले कि कितने अमाउंट में मैं पानी पीती हूँ। ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर मैं बस एक ही टाइम लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। और ये है मेरा एप्पल साइडर विनेगर, आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, ये मेरे घर के पास इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो मैं यही वाला लेती हूँ। और आप मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये है मेरे पास इसका कैप, इसमें सारे लिखे हुए हैं, आई होप आप लोगों को दिख रहा हूँ, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 and 25 and 30। तो पर हम लोगों को जो लेना है वो लेना है ओनली 10 ml। आप 5 to 15 ml 2 से 3 बार कर करके भी ले सकते हैं दिन भर में, लेकिन 15 से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं बस एक ही बार लेती हूँ, तो मैं 10 ml ले लेती हूँ एक साथ, उसके बाद मैं नहीं लेती हूँ। तो अभी मैं इसको इसमें लूंगी। तो ये बस देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा सिर्फ 10 ml है, दिख रहा है, इजिली दिख रहा होगा आप लोगों को, 10 से ज्यादा मैं नहीं लूंगी। तो अब ये जाएगा मेरे वाटर में, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे इसको खंगाल लेती हूँ, डोंट वेस्ट एनीथिंग, ओके, वेस्टेज इज नॉट गुड। तो अब ये मेरा हो गया, फिर मैं कोई भी स्पून ले लेती हूँ, अब इसको अच्छे से, आप चाहें तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं और लेमन ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसको इसी तरह से लेती हूँ। मैं इसमें कुछ मतलब एक साथ कोई भी चीज़ मिक्स करके नहीं लेती हूँ, मैं सेपरेट सेपरेट चीज़ों को लेना पसंद करती हूँ। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज लाइटनिंग इज सो डैम, लाइट जला लेते हैं। हाँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें डाइट में लेती हूँ। देखो मेरी भी डाइट बहुत रेगुलर नहीं हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ माय किड्स। तो जो जो मैं ट्राई करती हूँ लेने की, तो वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ दलिया लेने, अभी मुझे पता है दलिया मॉर्निंग में ली जाती है, पर मुझे जब भी भूख लगती है तो दलिया बहुत ज़्यादा
मतलब वेट लॉस में हेल्प करती है। तो बहुत से लोग नमकीन लेते हैं, और मैंने अभी खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी डाइट में शुगर को कट ऑफ करूँगी, तो उसकी जगह पे मैं हनी का यूज़ करूँगी, और आप गुड़ भी ले सकते हैं, जैगरी भी। तो मैं भी जा रही हूँ अपने लिए दलिया बनाने, तो चलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 बाउल के करीब दलिया ली हुई है, और इसको अच्छे से वॉश करेंगे पानी में। अच्छे से वॉश करना है ताकि जो भी इसकी डस्ट, जो भी डॉट है वो, तो वो जल्दी से इजीली रिमूव हो जाएगी। आप इसको थोड़ी देर चाहे तो सोक करके भी रख सकते हैं, और अगर आपको जल्दी खाना है तो फिर आप मेरी तरह ऐसे इंस्टेंट वाली बना लें। मैं बनाऊंगी तो मिल्क में ही, क्योंकि मैंने आज दिन भर में कोई भी फैट नहीं लिया है, तो मुझे, मैं मिल्क लूँगी मिल्क के साथ। और जब मैं वो ले लेती हूँ, मतलब फैट कैलोरी मैं इंटेक कर लेती हूँ, तो फिर मैं उसको यू नो मिल्क को अवॉइड कर देती हूँ। और आप लो फैट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लो कैलोरी होती है वो वाला, तो उस तरह से आप डाइट को मेंटेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गई है वॉश, और अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको अच्छे से बॉईल करेंगे, जब तक कि हमारी दलिया फूल के अच्छी सी बड़ी नहीं हो जाएगी। तो देखिए गाइस, सारा पानी अच्छे से जल चुका है, और ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गई है, काफ़ी थिक लग रही है, एक एक दाना दाना अलग दिख रहा है। इसको अभी हमें 3 to 5 मिनट्स और अच्छा कुक करना है, और फिर हम इसमें डालेंगे मिल्क। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ आजकल, क्योंकि मेरी डाइट रेगुलर नहीं हो पा रही है, तो आज दिन भर मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ओनली ग्रीन टी एंड वार्म वाटर। और ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मैं चाय स्किप नहीं कर सकती हूँ, आई एम अ चाय पर्सन, तो मैंने चाय पी है। तो अब टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट, मतलब शाम हो चुकी है, तो अभी जो भी जितना भी कुछ कैलोरी मुझे कार्ब्स फैट जो भी मुझे इंटेक करना है, तो मुझे इसी टाइम में इंटेक करना है। तो अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो अब मैं अपना यू नो धीरे धीरे फूड लेना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ दलिया से, तो क्योंकि दलिया बहुत रिच इन फाइबर होती है, और दलिया से आधा पेट यूँ ही भर जाता है, तो यू नो उसके बाद उतनी नीड नहीं होती। हाँ, मेरा ये ज़्यादा है क्योंकि मेरे घर में और भी पर्सन्स हैं जो दलिया पसंद करते हैं, तो मैं सबके लिए बना रही हूँ, एक एक बाउल इनफ है हम लोगों के लिए। तो मैं एक ही बाउल लूँगी, क्योंकि अभी मुझे सैलेड और कर्ड रायता लेना है, और उसके बाद मुझे अपनी रोटी भी लेनी है। तो मुझे अभी ऑलमोस्ट 10 बजे से पहले मुझे अपना डिनर कंप्लीट करना है, तो मैं थोड़े थोड़े टाइम के गैप पे अपना चीज़ें लेती जाऊँगी। तो अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, तो मैं अब भी इसको, मैं जैसे कि बताया मैंने ये पूरे घर के लिए बना रही हूँ, तो मैं अपने इसको अच्छे से मतलब बॉईल करने के बाद मैं अपने लिए निकाल लूँगी पूरा 1 बाउल, और उसके बाद फिर मैं इसमें शुगर ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैंने अपने डाइट में शुगर को कट ऑफ किया है। तो इवन मैंने चाय में भी इसको स्किप कर दिया है, क्योंकि मतलब मुझे शुगर को नहीं इंटेक करना है। तो कैमरा इज नॉट फोकसिंग यू गाइस, हाँ या तो मैं यही बता रही थी कि मैं इन चाय पी रही हूँ, लेकिन गुड़ वाली चाय जैगरी के साथ, तो शुगर को मैंने बिल्कुल भी इंटेक करना बंद कर दिया है। और ये दलिया हमारी अच्छे सी बॉईल आने तक की इसको हमें ऐसे पकाना है। उसके बाद मैं अपने लिए एक बाउल निकाल लूँगी, और उसमें मैं फिर ऐड कर दूँगी अपने लिए हनी, और घर वालों के लिए मैं शुगर ऐड कर दूँगी। तो बस अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े से नट्स या कैशियू या फिर आमंड्स ये सब ऐड कर सकते हैं, पिस्ता, तो इफ़ यू वांट टू।
तो मैं मुझे नहीं करना है, मुझे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है और मैं ये इतना मिल्क नहीं लूँगी। मैं इसका जो गाढ़ा वाला पोर्शन है, जो सिर्फ दलिया वाला, मैं बस वही निकालूँगी अपने लिए, और क्योंकि मुझे फैट भी लेना है तो मैं चाहती हूँ ना कि मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स मिलें और जिससे मेरा डाइट जल्दी से अच्छे से मेंटेन हो जाए और मेरा वेट अच्छे से जल्दी से लो हो जाए। मैं अभी चेक की थी अपना वेट, तो मेरा वेट है 68 kg, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है और मुझे इसको जल्दी से लो करना है। मुझे आना है 50 to 55 के बीच, तो चलिए देखते हैं मैं कर पाती हूँ कि नहीं। तो ये मैंने अपने लिए बाउल निकाल लिया है और ये देखिए अब मैं जा रही हूँ अपने लिए हनी लेने, और मैं अपने बाउल में हनी ऐड करूँगी। तो हनी, ये है मेरा हनी और इसको मैं ऐड करूँगी अपने उसमें। तो गाइज अभी हो गया है मेरे डिनर का टाइम। मैंने वैसे सोचा था कि मैं 9 बजे तक का डिनर कर लूँगी, लेकिन जो मैंने दलिया ले ली ना, तो उसके बाद मुझे भूख ही नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि दलिया खाने के बाद बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो अभी मैं जा रही हूँ फिश को फ्राई करने, क्योंकि मैं आज मैंने मतलब रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज फिश खा लेते हैं। फिश से मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, तो वो मैंने सोचा। और अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए सैलड बनाने। तो सैलड में मैं पहले तो मैंने सोचा था कि मैं कर्ड सैलड बनाऊँगी, पर वो मैंने स्किप कर दिया है। अभी मैं सिर्फ नॉर्मल सैलड बनाऊँगी, तो मैं दिखाती हूँ। और अभी मैं अपना ये फिश बिछा देती हूँ एक एक करके, तो मुझे जब तक कि मैं सैलड बनाऊँगी तब तक कि ये मेरा फिश अच्छे से फ्राई हो जाएगा। वो मुझे जो है किसी भी फिश नहीं पसंद है, मैं मुझे थोड़ा सा डीप फ्राई पसंद है, तो मैं डीप फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी इस साइड से फिश हो चुकी है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सैलड में मुझे क्या क्या चाहिए। मैंने बस ये एक प्याज ली है और इसमें मेरे पास है बीन्स एंड टोमेटो एंड दिस गाजर, और यहाँ पर मेरे पास है स्वीट कॉर्न्स, तो मैं स्वीट कॉर्न्स भी लूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा फैट है और ये बहुत ही मुझे सैलड में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं इसको लूँगी। और वैसे तो है बहुत सारी चीज़ें, पर मैं बस इसमें कहीं बनाऊँगी, तो जल्दी से बनाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मेरा सैलड है और ये है मेरे हस्बैंड का सैलड, ये फिश और ये दाल। तो मैं हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और आप लोग भी हम लोगों के साथ बिस्मिल्लाह करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।